ऐसी कोई गली नहीं जहां पथरियन माता की चली नहीं। आप कहां से हो? हम मऊरानीपुर के पास दबाकर गए। हमें 4 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ने पड़ी पैदल आए। जाम भी लगा रहा? जाम इतना लगा के अभी तक हमने कोई दरवाजा मतदान न होता तो ये लाखों आदमी पागल थोड़ी है। एक आदमी को पागल करने में लाठी चलाने देता है आदमी। लाखों आदमी आ रहे तो देवी कर ना कर पाए वो देवी इलाज कर देती है। लाइलाज भी उनके जाते हैं, कुछ दंड भर के भी लोग लगाते हैं परिक्रमा यहाँ पर। वो माता हर लेती है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लोग आते हैं और मतलब पथरियन माता का जो भी मतलब 5 पथरियाँ लेकर आता है और 1 नीम का कोहरा मतलब ये। लेकिन कारण बस लोग गलती कहाँ करते हैं जिसका मतलब नहीं भला हो। मनोज यादव, आप कहाँ से आए हो? नल के नाम से के पास। क्यों आते हैं मतलब यहाँ पर? क्या चमत्कार हुआ था? क्या था? पैर में दर्द था। वो ठीक हो चुका? हाँ ठीक हो चुका। पहली बार में ठीक हो चुका था कि बार नहीं, दूसरी बार में थोड़ी आराम मिला था। हाँ। तीसरी बार में पूरा। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रहस्य में। दरअसल दोस्तों आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जो महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है चरवारी। चरवारी और अलीपुरा के बीच में पहुंच चुके हैं जहां पर बीच जंगलों में प्रकट हुई है पथरियन माता। उन पथरियन माता का आज मैं रात दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चमत्कार होता है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, उनका क्या 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 समस्याओं का रोग ठीक होते हैं, ये सब वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और यहीं के व्यक्तियों द्वारा भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर सच में पथरियन माता में चमत्कार होता है या नहीं, ये सब वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। और कुछ दुकानदार भाइयों से भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर क्या होता है और उनकी कितनी बिक्री होती है, किस प्रकार से यहाँ पर। और भी बना हुआ है दूल्हा देव का चबूतरा, उस दूल्हा देव के चबूतरा के यहाँ किस प्रकार से परिक्रमा लगाई जाती है वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सभी खुलासा करूँगा कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या चमत्कार हुए हैं। उन चमत्कारों का उस जगह को घुमा देते हैं, पहले कुछ दुकानदार भाइयों से भी बात करेंगे। आइए कैमरा मैन जल्दी से फोकस कीजिए, व्यक्ति मिले हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस लिए आए हैं, मतलब उनका क्या भला होता है और मतलब क्या चमत्कार होता है। तो भाई साहब आपका पहले तो शुभ नाम क्या है? राजा साहब आप कहाँ से आए हो? डोरिया से आए। तो पहली बार आए हो या? और तीन बार हो चुके। आपको क्या दर्द था? पैर में दर्द था। वो ठीक हो चुका? हाँ ठीक हो चुका। ठीक मतलब पहली बार में ठीक हो चुका था कि बार नहीं, दूसरी बार में थोड़ी आराम मिला था। हाँ। तीसरी बार में पूरा सही हो गया। मतलब यहाँ पर किस प्रकार से परिक्रमा लगानी पड़ती है? 5 परिक्रमा लगाने पड़ते हैं। 5 परिक्रमा लगाने पड़ते हैं। और भी कुछ करना पड़ता है? नहीं, 5 परिक्रमा नीम का झोंका लाना पड़ता है। मतलब आपने पहली बार आए थे और मतलब कौन दिन आना पड़ता है? संडे को आओ। तो पहली बार आए थे वो परिक्रमा लगाए तो ठीक हो चुका था? हाँ, थोड़ी बहुत आराम मिला था। तो दूसरी बार में थोड़ी आराम मिला, तीसरी बार में बिल्कुल खत्म हो गया था। तीसरी बार में खत्म हो गया अभी, और मतलब 5 बार हो जाना नहीं, 5 बार का है ना यहाँ की मान। तो चलिए दोस्तों और भी व्यक्तियों से हम जानेंगे कि मतलब यहाँ पर तो बहुत से चमत्कार हुए हैं, उन सबका आज खुलासा करूंगा। तो धीरे धीरे हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर चमत्कार होता है। पहले तो हम उस जगह को दिखाएंगे जहाँ पर दूल्हा देव का चबूतरा बना हुआ है, उस जगह को दिखाएंगे। और यहाँ पर यह भी दिखाएंगे किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर मेला भी लग रहा है किस प्रकार से। पहले दूल्हा देव का चबूतरा दिखाएंगे और फिर उनका इतिहास भी बताएंगे किस प्रकार से दूल्हा देव का चबूतरा बना है इन्हें, और एक कौन थे मतलब, यह भी बताएंगे। और यहाँ से आएंगे धीरे धीरे और आपके
लिए सीधा रूबरू कराएंगे और आपको सीधा दूल्हा देव के यहाँ पर ले जा रहे हैं और उनका इतिहास किस प्रकार से है वह भी बताएंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा दूल्हा देव का चबूतरा। आप इस तरफ नजर घुमाएंगे तो दूल्हा देव का चबूतरा बना हुआ है। जो जिस दूल्हा देव का चबूतरा बना हुआ है आज उसकी परिक्रमा लोग लगा रहे हैं, किस प्रकार से लगा रहे हैं उनकी। पहले तो पथरियन माता का परिक्रमा करना पड़ता है, फिर यहाँ पर दूल्हा देव के यहाँ पर आते हैं। तो दूल्हा देव तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले दूल्हा देव का इतिहास के बारे में कि दूल्हा देव कौन थे। दूल्हा देव वो देव हैं जो दूल्हा दुल्हन मतलब दूल्हा दुल्हन जो भी बुंदेलखंड में दूल्हा दुल्हन होते हैं इन्हीं के संरक्षण में रहते हैं। दूल्हा देव मतलब कहा जाता है कि हैदौल के भनंज दामाद थे। जिस गांव में आपको दूल्हा देव का चबूतरा मिलेगा उस गांव में हैदौल का चबूतरा नहीं होगा और जिस गांव में हैदौल का चबूतरा होगा उस गांव में दूल्हा देव का चबूतरा नहीं होगा। यह और कहा जाता है क्योंकि हैदौल के भनंज दामाद दूल्हा देव थे, क्योंकि 10 गांव ऐसे दिए थे हैदौल ने दूल्हा देव को के जहां पर ना तो दूल्हा देव का चबूतरा मिलेगा ना तो हैदौल का चबूतरा मिलेगा। और ऐसे ही जगह पर आज हम पहुंच चुके हैं और जहां पर आप लोग देख ही सकते हैं इस प्रकार से लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। जो भी आईजी लेकर आते हैं यहां पर मतलब लगाते हैं माता से जो मनोकामनाएं कहते हैं वो उनकी सभी पूरी होती है। और कुछ व्यक्तियों द्वारा भी हम जानेंगे कि यहाँ पर सच में चमत्कार होता है या नहीं आज इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है बाल मुकुंद नायक। आप कहाँ से हो? हम मऊरानीपुर के पास है, धबाकर गए हैं। तो यहाँ तक मतलब कैसे पहुँचे कि यहाँ तक? यहाँ तो भैया हमें 4 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ने पड़ी, पैदल आए। जाम भी लगा रहा? जाम तो जाम इतना लगा कि अभी तक हमने कोई दरबार ऐसा देखा ही नहीं। लाखों के 2-2.5 लाख से ऊपर हुए आदमी। मतलब आपको कोई बीमारी थी ऐसा? नहीं, हमें तो बीमारी, हम तो वैसी दर्शन करने आए थे माता जी के। अकेले जो हमारे गांव के लोग हैं बे सही हो गए तो हमने चलो हम भी माता जी के दर्शन करवाए। मतलब आज यहां पर देखा जाए तो चमत्कार होता? चमत्कार ना होता तो ये लाखों आदमी पागल थोड़ी है। एक आदमी को पागल करने में लाठी चलाने चला देता है आदमी। लाखों आदमी आ रहे तो देवी की कृपा है जब तो आ रहे। देवी की क्यों काय को आएंगे नहीं तेरे? मतलब आपको पता कैसे लगा कि मतलब यहाँ हमारे गांव के लोग बहुत काफी लोग आए और वे सही भी हो गए। जब सही हो गए तो हमने चलो भैया चमत्कार है वहाँ पर तो चलो देवी के दर्शन हम करें। तो मतलब यहाँ पर आए वो मतलब आपने परिक्रमा लगाया? परिक्रमा लगाया, 5 परिक्रमा दिए आराम से। मतलब भीड़ तो है ही, मेहनत तो अगर दर्शन से आओ ना तो देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा, भीड़ है। अगली परिक्रमा लग गए परिक्रमा आराम से परिक्रमा भी। मतलब ऐसा तुम्हें इनके बारे में कुछ और भी जानकारी है कि यहाँ पर मतलब कैसे प्रकट हुई थी? अब जे हमें जानकारी नहीं, हमें तो ये पता है कि जो इलाज डॉक्टर ना कर पाए वो देवी इलाज कर देती हैं। लाइलाज भी उनके लिए मामूली है। मतलब सुना है कि कैंसर वगैरह वाले जो है मरीज में सही हो गए। मतलब जिनको कैंसर भी था वो भी ठीक हो जाते हैं? वो भी सही हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो आता है 5 परिक्रमा लगाता है तो पहली बार में ही हो जाते हैं कि और अब जे तो क्लियर नहीं कह सकते हम। अकेले आदमी ये बताते हैं कि यहाँ जो देवी के पास अपनी फरियाद डाले आए निश्चित सही हो जाता है। निश्चित ही सही हो जाते हैं? 5 बार आना पड़ता है कि पहली बार में? नहीं, 5 एतवार बुधवार को आना पड़ता है। 5 एतवार बुधवार को ज्यादा मानता है। और वैसे तो 10-5 हजार आदमी तो रोज आते जाते हैं, रोज आते हैं, भीड़ तो रहती है। अगली दिन एतवार बुधवार को भीड़ रहती है उतनी भीड़ नहीं रहती है, बताते हैं दुकानदार लोग, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं। दुकानदारों से पूछा है तो ये लोग बताते हैं कि एतवार बुधवार भीड़ अधिक रहती है और ऐसे 10-5 हजार आदमी तो रोज आते हैं। 10-5 हजार लोगों का मतलब रोज भला होता है और क्या? मतलब को तो मेला डेली भीड़ रहती है, आज ज्यादा भीड़ रहती है। रविवार को ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको? जी फूला ना वोट फूला वोट फूल देते। आपने परिक्रमा लगा लिए? हाँ जी, परिक्रमा लगा लिए तो आराम मिला अभी?
पहली बार आया हूँ तो अभी नहीं कुछ भाई साहब, पहली बार मैं कहा जा रहा हूँ। देखिए आप इस प्रकार से परिक्रमा लगाए जाते हैं, कुछ दंड भर के भी लोग लगाते हैं परिक्रमा। यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पर दूल्हा देव का चित्र बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि दूल्हा देव का चबूतरा बना हुआ है। अभी तो आपने दूल्हा देव का चबूतरा देखा है, अभी हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पर पथरियन माता का चमत्कार होता है, और बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दुकानें आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जैसे ही हम और नज़दीक जाएंगे, आप मेन पॉइंट पे जा रहे हैं, और आपको लाइव दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है और यह सब देखने को मिलेगा। चलते हैं धीरे धीरे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर उस चीज को दिखाएंगे जहाँ पर आज चमत्कार होता है, और इतने भक्त लोग आते हैं, किस प्रकार से परिक्रमा लगाते हैं वो दिखाएंगे, और कुछ व्यक्तियों द्वारा भी जानेंगे। वहीं चलकर पहले आपको पथरियन माता जो भी जंगलों में प्रकट हुई है उनको दिखा देते हैं किस प्रकार से प्रकट हुई है। धीरे धीरे वहीं पर जहाँ पर कहा जाता है कि मतलब जो भी व्यक्ति नंग भी नहीं सकता था वो भी दौड़ने लगा है पांच परिक्रमा लगाने के बाद, ऐसा गांव के व्यक्ति बताते हैं। और कुछ और भी चमत्कार, सभी चमत्कार आज इस वीडियो के माध्यम से हम खोलेंगे, और लोगों के द्वारा तो पूछेंगे ही कि क्योंकि आज के व्यक्तियों को बताना पड़ता है किस प्रकार से मतलब यहाँ पर आते हैं लोग। चलते यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब धीरे धीरे उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पर पथरियन माता का सच में चमत्कार होता है आज भी, और आप लोग देख ही सकते हैं इस प्रकार से इतने भक्त लोग आ रहे हैं, किस प्रकार से परिक्रमा लगाते हैं वो दिखाएंगे, और यह भी दिखाएंगे। यहाँ से आप नजर घुमाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे तो मतलब जल चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर से आते हैं और जल लेते हैं और पथरियन माता तक पहुंचते हैं, और वहां पर भी चलेंगे किस प्रकार से आते हैं। जगह को दिखाने वाले हैं जहाँ पर ना तो कोई पंडा है ना पुजारी है और ना ही कोई मंदिर है, और बीच जंगलों में प्रकट हुई है माता, किस प्रकार से प्रकट हुई है और वहाँ पर क्या चमत्कार होता है ये सब वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और यहाँ पर कितने भक्त लोग आते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं उनका सभी भला होता है या नहीं ये सब जानेंगे। पहले चलते हैं वहीं पर और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है, मतलब एक केवल पेड़ लगा हुआ है और उसी के नीचे लोग परिक्रमा लगाते हैं, और पांच पत्थरियां लेकर परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाने के बाद जो भी उनकी बीमारियां होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से लोग आ रहे हैं। चलते हैं धीरे धीरे वहीं पर लेकर चलेंगे, और देखिए यहाँ पर लोग किस प्रकार से परिक्रमा लगाते हैं, और मतलब सभी जो भी इतने लाखों लोग आते हैं ये प्रूफ नहीं है तो क्या है, मतलब यहाँ पर आते हैं लोग तो उन सभी का मतलब जो भी कष्ट होते हैं वो माता हर लेती है, और यहाँ पर
देखिए इस प्रकार से लोग आते हैं और मतलब पथरियन माता का जो भी मतलब पांच पथरियां लेकर आता है और एक नीम का बोरा मतलब ये, लेकिन कारण बस लोग गलती कहाँ करते हैं जिसका मतलब नहीं भला हो पाता है। यहाँ पर आते हैं, देखिए आप जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि माता स्वयं झाड़ती हैं, मतलब वो लोग अपने आप झाड़ते हैं। गलती ये करते हैं कि यहाँ पर आते हैं तो मतलब नीम का घोरा खुद अपने आप मुंह पर फेरते हैं तो मतलब माता नहीं सुनती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है जो भी पांच परिक्रमा लगाते हैं, पांच पथरियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर रख दिया जाता है और जो भी पांच परिक्रमा लगाता है तो उनके मतलब माता के यहाँ पर नीम का घोड़ा रख दिया जाता है और माता से कह दिया जाता है कि माता झाड़ दीजिए, तो माता झाड़ती हैं तो उनके सभी कष्ट होते हैं, चाहे भूला व्यक्ति हो चाहे लंगड़ा, जिस प्रकार से हो सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस प्रकार का चमत्कार देखते हुए यहाँ पर आज इस प्रकार से जो छतरपुर जिले में पड़ता है, आप लोग भी आ सकते हैं जो, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे उनके सभी कष्ट गौर से देखेंगे कि इस प्रकार से लंगड़ा व्यक्ति भी आएंगे तो यहाँ पर आते ही परिक्रमा लगाता है तो वो दौड़ने लगता है। इस प्रकार से माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी पथरियन माता के यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा। और भी इनकी कुछ अलग ही चमत्कार हो चुके हैं और इस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लाखों लोग तो यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं। और तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी मतलब भाई को बुंदेलखंड से लोग देख रहे हैं तो उनको, जो भी भाई बुंदेलखंड से है उनको जो भी कष्ट हो तो यहाँ पर आ सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों के साथ लगाया और यहाँ पर पथरियन माता है। क्योंकि एक बार की बात है, जब मतलब आज से 3 महीने पिछले दिनों पहले कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर पथरियन माता है। फिर जब एक बार एक अलीपुरा से पीड़ित व्यक्ति मतलब उसके हाथ पैर दर्द दे रहे थे या कुछ अनेक प्रकार के लोग बताते हैं, जैसा हमें सुनने को मिलता है ऊँचा ही हम आपके यहाँ तक पहुँचाते हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि उसको कैंसर था, जब कैंसर था तो यहीं पर आके मतलब उसको धूप लगने के कारण इसी पेड़ के नीचे रुक जाता है, रुक जाने के बाद यहीं पर मतलब थोड़ी नींद लग जाती है तो यहीं सो जाता है। तो माता उसे स्वप्न देती है कि मतलब सपने में आती है माता तो कहती हैं कि यहाँ पर मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर पांच परिक्रमा लगाइए और नीम का घोरा रख दीजिए तो मतलब आपका जो भी कैंसर वगैरह जो भी रोग था उसको वो मतलब ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से माता कहती हैं, उसी प्रकार से करता है। तो रोग ठीक हो जाने के बाद फिर जब वह माता ने यह भी कह दिया था कि सभी लोगों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, और व्यक्ति इसी प्रकार से सभी लोगों को बताता है तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। और दूसरी बात, अब दूसरा सपना मिल चुका है उसे कि माता ने स्वयं उससे कहा है कि यहाँ पर आइए और नौ दुर्गा का समय होगा जब आप लोग यहाँ पर गा बजा कर सभी भक्त लोग मिलकर यहाँ मेरी प्रतिमा मतलब यानी कि मूर्ति छिपी हुई है उसको निकाल लीजिए और ऊपर रख दीजिए, तो यह सब चमत्कार अब आगे नौ दुर्गन में यह भी देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पर जब माता ने कहा है स्वप्न में कि यहाँ पर अंदर मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति मतलब रखी हुई है प्रतिमा उनकी बनी हुई, उसको ऊपर निकालना है और गा बजा के इस नॉर्मल तौर पर नहीं गा बजा कर निकालेंगे। और तो यह होगा सच या नहीं, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी छोटी तब इसी चैनल पर हम डालते रहते हैं, क्योंकि
एक घटना और भी घटी थी, वो हम बताने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा हमें यहीं पर कुछ और दुकानदारों भाइयों के मुँह से हमें सुनने को मिली है, वो भी हम सुना देते हैं किस प्रकार से कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है तो वो यहीं पर आती है, और जब यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर सभी लोग मतलब पैदल चल रहे हैं, तो उस वह सोचती है कि यहाँ से मतलब जो भी 5 कंकड़ पत्थर चढ़ाने होते हैं ना 5 परिक्रमा लगाने के लिए, वो सोचती है यहीं से ना उठाकर मतलब ये पैर पड़ते हैं ना तो वो अशुद्ध मानती थी, और वो यहाँ से ना उठाकर सीधा पहाड़ पे जाती है, बहुत दूर दूर जब पहाड़ पे जाती है तो वहाँ से 5 कंकड़ लाती है यहाँ पर माता के यहाँ तक लाते लाते वो कंकड़ सोने में तब्दील हो जाते हैं। तो जब वह आती है यहाँ पर तो लोगों को बताती है कि यहाँ पर देखिए ये मतलब मैंने जो कंकड़ उठाए थे वो पीले पीले हो चुके हैं, तो लोग बताते हैं कि वहाँ पर वो सोने के बन चुके थे। तो लोग कहते हैं कि यहाँ से मतलब वो बूढ़ी औरत थी उसको मतलब कह दिया था कि आप इन कंकड़ों को माता का वरदान समझकर आप घर ले जा सकते हैं क्योंकि वो सोने में थे। तो वो बूढ़ी औरत थी तो उसने ना लालच करते हुए उसने कहा है कि मैं मतलब इन कंकड़ों को मतलब परिक्रमा लगाने के लिए लाई थी तो परिक्रमा ही लगाऊंगी। जब वह परिक्रमा लगाती है तो वह देखती है कि जो भी सोने के कंकड़ बन चुके थे वो जब परिक्रमा लगाती है 5 परिक्रमा लगाने के बाद देखती है तो वो सोने के कंकड़ फिर से पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब वह बूढ़ी औरत अपने घर जाती है तो घर जाने के बाद देखती है तो उसे जो भी मतलब बीमारियां थी घर वालों को भी जो बीमारियां थी वो सभी ठीक हो जाती हैं, और उसके जो भी हाथ पैर दर्द दे रहे थे वो सब ठीक हो जाते हैं। तब से यहाँ पर और भी अच्छा चमत्कार माना जाने लगा, और यहाँ पर आज आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। हमें यहाँ तक आते आते कई प्रकार से कहीं कहीं पर रुकना पड़ा, क्योंकि आते आते इतनी भीड़ होने के कारण कहीं कहीं पर तो जाम लग चुका था। जाम लगने के बाद आपको भी देखने को मिल सकता है, आप भी देख सकते हैं इस प्रकार से जाम लगा हुआ था कि कहीं यहाँ माता तक पहुँचने में 1 घंटे तक वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जब जाम खुला तो हम यहाँ पर आए और आपको यहाँ का सभी हाल इस प्रकार से रूबरू कराया, और जो भी मतलब यहाँ की जानकारी थी हमने पूरी लेने की कोशिश की है जो हमें इस प्रकार से देखने को मिली है। और अगर आपको भी कोई किसी प्रकार की जानकारी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ने मतलब इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हम पथरियन माता से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और डालते ही रहेंगे। इसी प्रकार से जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी आप तक पहुंचाएंगे। पर हम जा रहे हैं जहां पर प्राचीन मंदिर मतलब बहुत पुराने मंदिर बने हुए हैं, और वहां पर आज हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन छोटे छोटे मंदिरों का मतलब जो भी चबूतरे बने हुए हैं उन सभी चबूतरों का परिक्रमा लगाते हैं लोग, और किस प्रकार से लगाते हैं वो दिखाएंगे। आइए चलते हैं, यहाँ से चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से मतलब यहाँ पर आते हैं लोग, और यहाँ पर आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये मामूली भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सच में चमत्कार होता है माता का, और इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए अब उस जगह को दिखाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का भी लोग परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं। अब आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर आते हैं तो देखिए इस प्रकार से
आएंगे धीरे धीरे, हम सभी चीज़ें कवर करेंगे और सब चीज़ इस, हमें चाहते हैं कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी देखने को मिलेगा। और भी चलेंगे हम, अभी और भी मंदिर बने हुए हैं जो 1000 वर्ष पुराने मंदिर हैं, उनका आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज अब इस समय से आपको देखने को मिल जाएगा। और भी हम दिखाते हैं, यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे, यहाँ आएंगे तो देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे बने हुए हैं, जो इनके भी लोग कुछ लोग परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा संख्या में तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं। ये नहीं पता चल रहा है कि किस प्रकार से लोग आते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी लोग आते हैं, मतलब नारियल तोड़ते हैं और नीम का घोड़ा रख दिया जाता है, और यहाँ पर भी 5 परिक्रमा लगाते हैं, इस प्रकार से माना जाता है। और देखिए लोग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लगा रहे हैं और का कुछ मानता है। और धीरे धीरे अब हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर मेला लगा हुआ है। अब यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, इस प्रकार से मेला भी लग चुका है जो बीच जंगलों में बना हुआ है। कुछ व्यक्ति यहीं से मिले हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर सच में चमत्कार होता है कि नहीं। तो भाई साहब, आप पहले तो ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज यादव। आप कहाँ से आए हो?